प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में टीम इंडिया ने रचा इतिहास और बांग्लादेश को हरा करके आपका तीसरी बार नेत्रहीन वर्ल्ड कप क्रिकेट में सफलता अर्जित किया। तो इसी टॉपिक को लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं करंट अफेयर्स का। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया, दूसरा आपका ये नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है, इस संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे, उसके साथ साथ जो तीनों वर्ल्ड कप में भारत ने किसको किसको हराया, ये सारी जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो इस तरीके से आपका T20 वर्ल्ड कप, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 और इसका आयोजन स्थल कहाँ था, तो इसका आयोजन स्थल है आपका भारत, और भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या कितनी है, तो 10, और इस 10 टीमों में आपका भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ये 10 टीमों द्वारा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया गया, और यही 10 टीमें WCC के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब ये WBCC क्या होता है, ये आपको आगे के पेज में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि ICC का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI का आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो इसी तरीके से ये जो T20 वर्ल्ड कप, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप है, ये नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप WBCC नामक संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको आगे के पेज में मैं इसका और डिटेल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस तरीके से नेत्रहीन T20, तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ, जिसमें भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या 10 है। अब इस नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 में कुल कितने मैचेज खेले गए, तो कुल मैचेज की संख्या आपका 24, और इस 24 मैच में आपका फाइनल मैच, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु में किस तारीख को खेला गया, तो ये खेला गया आपका 17 दिसंबर 2022, और इसी 17 दिसंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के मध्य नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु में आयोजन संपन्न हुआ। अब इसमें भारत और बांग्लादेश में फाइनल खेला गया। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि भारत ने सेमीफाइनल में किसको हरा करके फाइनल में जगह बनाया, उसके साथ साथ बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में हरा करके फाइनल में किस सेमीफाइनल में किसे हरा करके फाइनल में जगह बनाया। तो भारत जो है, इसके पहले फाइनल में पहुंचने से पहले सेमीफाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था, और साउथ अफ्रीका को हरा करके नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में अपना स्थान बनाया। जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश श्रीलंका को हरा करके फाइनल में अपनी जगह बनाया था। अब आते हैं अगले पेज पर, और इसमें भारत ने केवल दो विकेट पर आपका 200 प्लस रन बना करके बांग्लादेश को पराजित किया। अब आते हैं हम लोग आगे के पेज पे, तो आगे के पेज में आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट में आप लोग सुधार लीजिएगा। इसमें सुधारना ये है कि मैन ऑफ द मैच इन फाइनल, ये जो आपका है, ये पोर्शन B1, B2, B3 कैटेगरी, ये आपका मैन ऑफ द सीरीज का कैटेगरी है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग हेडिंग में बना लीजिएगा, मैन ऑफ द सीरीज। और ये जो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप है, इस नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप में B1, B2, B3 तीन कैटेगरी में आपका मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाता है, जबकि फाइनल में मैन ऑफ द मैच होने वाले जो खिलाड़ी थे वो हैं आपके सुनील। भारतीय खिलाड़ी कौन था? सुनील। और इसी भारतीय खिलाड़ी सुनील को फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, अवार्ड दिया गया। अब ये जो तीनों खिलाड़ियों के नाम हैं, ये तीनों खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त किए, जिसमें आपका B1 कैटेगरी में ये आपका मोहम्मद महमूद रशीद, जो कि किस देश का खिलाड़ी है, ये बांग्लादेश, BAN का मतलब ये शॉर्ट में लिखा गया है, BAN का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बांग्लादेश। B2 कैटेगरी में अजय को प्राप्त हुआ, और B3 कैटेगरी में सुनील को मैन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया।
अब अगले पेज के पॉइंट्स पर आते हैं और अगला पेज जो है वो ये है कि अब तक कुल कितनी बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। तो अब तक आपका 3 बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें पहली बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2012 में हुआ और ये कहाँ पर हुआ था, तो भारत बंगलुरु। और आप देख रहे होंगे कि तीनों T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बेंगलोर में ही संपन्न हुआ था। तो प्रथम T20 नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य खेला गया और इसमें विजेता कौन रहा, भारत। दूसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2017 बेंगलुरु में किया गया और इसमें भी भारत विजयी रहा। उसके बाद से तीसरे T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में हुआ और इसमें भी भारत ने नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत करके हैट्रिक लगाया और इसमें किसे हराया, तो बांग्लादेश को हराया। तो इस तरीके से अब तक तीन नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों में भारत द्वारा विजय हासिल किया गया। अब अगले पेज पे आते हैं कि इस नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इस नेत्रहीन क्रिकेट का आयोजनकर्ता जो है वो आपका WBCC, और इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल। और इसी वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के द्वारा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1996 में की गई और इसके संस्थापक कौन थे, जॉर्ज अब्राहम। तो इस तरीके से नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप आयोजन करने वाली संस्था आपका WBCC है, जिसका फुल फॉर्म हो गया आपका वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1996 में जॉर्ज अब्राहम के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से आपका जो भी आपका नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप से जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पुट अप होने की संभावना बनती है, वो सारा हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।